औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने रिजेक्शन सहा, सभी ने कहा कि इसके साथ काम कौन करना चाहेगा, पर यह बना सदी का महानायक जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध अजमाना चाहता है? आजा सामने कुत्तों कबीलों, आप हाथ उठा के दिखाओ, आओ की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 इलाहाबाद में हुआ। पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन और माँ तेजी बच्चन। ये क्या कह रहे हैं डैड, मैं वहाँ क्या करूँगा, बिजनेस के बारे में मुझे क्या मालूम। जब इनका जन्म हुआ था तब इनका नाम इंकलाब रखा गया। ऐसा माना गया कि ये वो दौर था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और सभी क्रांति की भावना के साथ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए इनका नाम इंकलाब रखा। डैड सोच के देखा कि इसके बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल है, मतलब सोचने गया तो सोच नहीं सका। और बाद में अमिट आभा यानी कभी ना मिटने वाला उजाला अमिताभ। कौन है ये? कौन सा? ये सर पे पट्टी वाला चंदर है साहब, नया अप्रेंटिस, लेकिन वर्कर अच्छा है साहब, काम सीख जाएगा। सिर्फ काम ही नहीं, सलाम करना भी सिखाओ इसे। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म सात हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी एक्टिंग करियर का सफर शुरू किया। ये बात भी गौर करने लायक है कि उस वक्त के अपकमिंग आर्टिस्ट टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन की फोटोग्राफ के ए अब्बास तक पहुंचाई थी, क्योंकि खुद टीनू आनंद उस फिल्म में वो रोल नहीं करना चाहते थे। उन्हें मौका मिल गया था सत्यजीत रे साहब के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का, लिहाजा अमिताभ बच्चन साहब का नाम सामने आया। ये जलते फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। पर एक्टिंग करियर पे बात करने से पहले गौर करना होगा इस बात पर कि इनकी आवाज को एक नहीं बल्कि दो बार ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। पर हैरानी इस बात की होती है कि फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पहली कमाई हुई वॉइस ओवर से ही। जी हाँ, फिल्म भुवन शोम में इन्होंने नरेशन किया था जिसके लिए इन्हें 300 रुपए मिले थे। अच्छा चलो मां, बस थोड़ा सा और सीख लें दो, उसके बाद देखना हम दोनों अपना अलग से ऑफिस खोल लेंगे। अमिताभ बच्चन की मुफलिसी का आलम ये था, कलकत्ते में नौकरी छोड़ जब ये मुंबई की तरफ आए, कुछ रातें इन्हें मरीन ड्राइव की फुटपाथ पे बितानी पड़ी। वक्त यूं भी था कि ये बतौर एक्स्ट्रा एक फिल्म में एक्टिंग करने गए थे। ये भीड़ में खड़े थे और इन्हें थोड़ा सा मेहनताना मिलना था। इससे पहले कि ये बतौर एक्स्ट्रा काम कर पाते, लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को देख लिया और इन्हें डांटा और कहा कि तुम बड़े किरदारों के लिए बने हो, छोटे छोटे किरदार निभाकर इस तरह क्राउड सीन में खड़े होकर तुम करियर नहीं बना पाओगे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। और अमिताभ बच्चन को उस फिल्म से बाहर कर दिया, और शशि कपूर ने सही कहा था, जो आगे हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। करेक्ट जवाब दो। अमिताभ बच्चन की जब बात आती है तो इनके गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी की बात सबसे पहले आती है, जिन्होंने इन्हें फिल्म आनंद और गुड्डी में साइन किया था। गुड्डी में अमिताभ को बाहर कर दिया गया था क्योंकि बच्चन साहब आनंद में इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि क्यों छोटा सा रोल इन्हें गुड्डी फिल्म में दिया जाए, लिहाजा ये बाहर हुए और दूसरे एक्टर उस फिल्म में आए। हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए। ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स ने जंजीर की कहानी को रिजेक्ट कर दिया था और किसी तरह घूमते फिरते ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आ गई और इस फिल्म से एंग्री यंग मैन की इमेज सामने आई। अनिराज, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। अनिराज भागने की कोशिश मत करना, अनिराज वरना गोलियों से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। पर जरा पीछे जाएं तो पता चलता है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम में दरअसल अमिताभ बच्चन की एंग्री इमेज सबसे पहले सामने आई थी। ये मेरा जाति मामला है, जो कुछ भी हुआ मेरे उसके बीच हुआ, अगर कोई तीस हाउस में। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, आज के बाद अगर किसी ने सोमो पे हाथ उठाया तो मैं उसे। 70 का दशक परिवर्तन का दशक था, जहां एक तरफ रोमांटिक फिल्म्स अपना जौहर दिखा रही थीं, तो दूसरी तरफ जनता में आक्रोश बढ़ रहा था। वो गुस्सा अमिताभ बच्चन के अभिनय के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर आया और ये बन गए एंग्री यंग मैन द सुपरस्टार।
माँ का खून चाटने वाली कुत्ते जैसी जबान से मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता। अमिताभ बच्चन की जोड़ी जबरदस्त फिल्म मेकर्स के साथ भी खूब जमी, चाहे वो यश चोपड़ा साहब रहे या फिर प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी रहे या फिर मसाला फिल्मों के दिग्गज मनमोहन देसाई। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन का करियर परवान चढ़ रहा था, कोई और स्टार इनके आसपास भी नजर नहीं आ रहा था, वहीं एक ऐसी दुर्घटना हुई जो इनकी जान ले सकती थी। तुम कहना क्या चाहते हो? फिल्म कुली में इन्हें चोट लगी और ऐसा लगा कि यह महानायक ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा, पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अपनी लड़ाई जारी रखी तो दूसरी तरफ इनके सारे चाहने वाले इनके लिए दुआएं मांगते रहे। डॉक्टर्स की मेहनत और दुआओं ने वो असर दिखाया कि अमिताभ बच्चन खतरे से बाहर आए। फिर एक ऐसा वक्त आया अमिताभ बच्चन के जीवन में जब इन्होंने राजनीति में हाथ आजमाए। ये अपनी जन्मस्थली इलाहाबाद से बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे, पर बहुत जल्द विवादों में ये घिरे और फिर इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त याद रखने के लिए आप सब गवाह हैं। अमिताभ बच्चन साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी जया भादुरी जी से हुई। अमिताभ बच्चन साहब की शादी का किस्सा भी बड़ा अजब है। ये तो सभी जानते थे कि अमिताभ बच्चन और जया भादुरी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इनकी जोड़ी खूब जमती है। अच्छा, तो इतने दिन तुम मेरा इंतजार करती रही। अमित जी और जया जी दोनों नहीं सोचा था कि यदि फिल्म जंजीर हिट होती है तो ये दोनों विदेश जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए, पर बच्चन साहब के माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने ये बात साफ कर दी कि अगर विदेश जाना है तो पहले शादी करनी होगी और तब जाना होगा। और इस तरह आनन फानन में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की शादी हुई। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन। एक दौर ऐसा भी आया अमिताभ बच्चन साहब के जीवन में जहां पर इनकी फिल्में वो कमाल नहीं दिखा रही थीं जितनी की उम्मीद की जाती थी। और तब ये फैसला लिया इन्होंने कि फिल्म खुदा गवाह के बाद ये कुछ वर्षों के लिए फिल्मों से दूर हो जाएंगे। इसी बीच इन्होंने ABCL नाम की कंपनी शुरू की। मेरे और पार्टनर कौन है? जी, आपके दूसरे पार्टनर आपके पिताजी। अच्छा। बिजनेस में खासे झटके लगे इन्हें और तब इन्हें ये एहसास हुआ कि ये बने हैं एक्टिंग के लिए और फिर ये लौट आए फिल्मों में। आज, वो जुर्म का पेड़ या टहनियों और पत्तों समेत मेरे सामने मौजूद है और इस पेड़ की होली मैं आग जला के रहूंगा। और तभी डूबती नैया को तिनके का सहारा मिला और सहारे के रूप में आया कौन बनेगा करोड़पति। जी, पहली बार छोटे पर्दे पर अमिताभ बच्चन नजर आए और KBC ने कमाल कर दिया। अमिताभ बच्चन साहब ने बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया और बदलते वक्त में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार से यही कहा कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। तेरा और मेरा रिश्ता एक मुजरिम और गवाह का, जो कभी अलग नहीं हो सकता, और जो वकील ये नहीं जानता वो मुकदमा क्या खाक लड़ेगा। वाह बे बरखुदा, चचा गालिब के बाद तू ही पैदा हुआ है। आजा। अमिताभ बच्चन ने वो सब कुछ मुमकिन किया जिसे देख लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है। ये मिल तुम्हारे खून पसीने से नहीं बनी, समझे? अमिताभ बच्चन का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा गर्व से लिया जाएगा। मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा शुभ है, क्योंकि जो विश्वास, जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी वो मैं पूरी कर सका। मेरे लिए मेरी जिंदगी पूरी हो गई, जीवन का एक अर्थ मिल गया।